गौ माता के लिए आज का भोजन जो कि खागा स्थित टिकारी या विक्रमपुर गौशालाओं के लिए। तो आइए देखते हैं फूल सिंह लोधी की कवरेज फतेहपुर से। फतेहपुर में गौ माता का पेट भरना, उन्हें भूख के अभाव से मरने से बचाना, उनको खिलाना, मैंने शायद जिंदगी में इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं किया होगा। अगर एक भी गाय को दम तोड़ने से बचा पाया तो इसे मैं गौ माता की महिमा समझूंगा। आज का प्रसाद 400 गांव के लिए बहुत कम था, किंतु गौ माता का आशीर्वाद बहुत अधिक था। भूखी गायों के लिए हरी सब्जी खरीदना व उनके लिए अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े तो मैं इसमें अपना सम्मान गिराना नहीं समझूंगा, बल्कि ये समझूंगा कि एक माँ के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। सब्जी मंडी खागा से गौ माता के लिए दर्जन बोरिया हरी सब्जी खरीद कर जबकि गौशाला हम अपनी गौरक्षा टीम के साथ पहुँचते हैं तो सैकड़ों गौ माता मानो हमारी राह देख रही होती है। सब्जियों का रिक्शा देखते ही गाय दौड़ कर हम लोगों की तरफ आती है और हम लोग हरी सब्जियाँ गायों तक पहुँचा कर उन्हें भरपेट भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। गौरक्षा टीम की शुरुआत डॉक्टर डीके सिंह ने की थी, जिनका कहना है कि हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना बल्कि गौ माता हमारे धर्म की पूजनीय माता है, उनके लिए हमें स्वयं निकल कर आगे आना होगा। जिनकी चलाई गई मुहिम आज बढ़ती जा रही है और अब लोग गौ माता के प्रति जागरूक भी होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना जन्मदिन व शादी की वर्षगांठ गायों को हरा चारा खिलाकर अब मनाने लगे हैं।